Hello everyone today in this video of chapter 2 sexual reproduction in flowering plant we are going to study about structure of pistil megasporangium and megasporogenesis right let us first start with the structure of pistil so see pistil is nothing but what it is a female reproductive organ that is gynoecium तो ये गाइनोशियम का पिस्टिल क्या है यूनिट तो यूनिट ऑफ़ गाइनोशियम फाइन पिस्टिल का दूसरा नाम क्या है कैरपिल पिस्टिल का दूसरा नाम क्या है कैरपिल अब पिस्टिल जो है इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स फाइन सी इन दिस डायग्राम यू कैन सी ये क्या है पिस्टिल है पिस्टिल का दूसरा नाम क्या है कैरपिल विच इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स ये क्या है टॉप मोस्ट स्टिग्मा फिर कौन सा है स्टाइल एंड फिर क्या है ओवरी राइट तो ये स्टिग्मा जो है ये क्या है टॉप मोस्ट पार्ट है पिस्टिल का जो ब्रॉड है और उसे हम क्या कंसीडर करते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन मतलब जो पोलन ग्रेन जो आएगा वो सबसे पहले कहाँ अटैच होता है दिस स्टिग्मा इसलिए उसे हम क्या बोल सकते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रैम अब स्टाइल जो है ये कैसा है इलॉन्गेटेड स्लेंडर पार्ट राइट सो ये स्टिग्मा से लेके कैन यू सी दिस लॉन्ग इलॉन्गेटेड पार्ट राइट तो ये इलॉन्गेटेड स्लेंडर पार्ट जो है मतलब तो पतला सा जो पार्ट जो नीचे ओवरी तक जा रहा है दैट इज नथिंग बट वॉट्स स्टाइल राइट ये स्टाइल को हम ये भी बोल सकते हैं कि डिज़ अ जंक्शन और कनेक्शन बिटवीन अ स्टिग्मा एंड ओवरी फाइन नेक्स्ट कौन सा है ओवरी ओवरी जो मेन पार्ट है पिस्टिल का क्यों क्योंकि उसी के अंदर क्या बनने वाला है फीमेल गेमेटो फाइट राइट right? अभी देखो ये जो पार्ट है दिस इज नथिंग अबाउट बेजल पार्ट राइट क्यों बेजल है बिकॉज ये वाला जो पार्ट है वो क्या होने वाला है थैलेमस से अटैच रहेगा तो ये बेजल पार्ट जो है पिस्टिल का वो कैसा है बल्ज़्ड है कैसा है बल्ज़्ड है अब तुम पिस्टिल के अंदर जब देखोगे तो वॉट यू सी कि ये ओवरी के अंदर द प्रेजेंस ऑफ वॉट ओवेरियन कैविटी क्या है ओवेरियन कैविटी एंड यही ओवेरियन कैविटी को हम क्या बोलेंगे लोक्यूल राइट सो ये सपोज अपना ओव्यूल ओवरी है तो ओवरी के अंदर ये क्या है ओवेरियन कैविटी और जिसे हम क्या बोलेंगे लॉक्यूल क्या बोलेंगे लॉक्यूल फाइन अब यही लॉक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा प्लासेंटा यू कैन सी कि ये जो प्लासेंटा जो है वो किससे अटैच है लॉक्यूल से प्लासेंटा क्या करने वाला है इट इज गोइंग टू गिव नरिशमेंट टू द ग्रोइंग फीमेल गेमेटो फाइट फाइन लेकिन यही प्लासेंटा से, से mm? क्या अराइज होने वाला है ओव्यूल यही प्लासेंटा से क्या अराइज होने वाला है ओव्यूल एंड ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है मेगा क्या है उसका दूसरा नाम मेगा स्पोरेंजिया जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है सीड में राइट right? ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है सीड में सो so ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फाइन क्यों इम्पोर्टेंट है सीड तो फर्टिलाइजेशन के बाद वो बनेगा लेकिन उसके पहले ये जो ओव्यूल या फिर मेगास्पोरेंजिया जो है उसी में से क्या बनने वाला है फीमेल गैमेटोफाइट या फिर हम क्या बोलेंगे एम्ब्रियो सैक, राइट अभी देखो नंबर ऑफ ओव्यूल्स जो है इट मे वेरी किसी में कोई कोई पिस्टल में या पिस्टल का जो ओवरी है उसमें या तो सिर्फ एक ओव्यूल रहेगा राइट या तो फिर बहुत सारे ओव्यूल्स रहेंगे अभी एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ओव्यूल लेटर ऑन क्या है किसमें कन्वर्ट होने वाला है सीड में राइट तो अभी वीट है पेडी मतलब राइस है या मैंगो है उसमें कितने सीड होते हैं सिर्फ एक होता है राइट न कोई कोई ओवरी में क्या होने वाला है सिर्फ एक ही रहेगा और बाकी थोड़े बहुत जो प्लांट्स हैं उसमें एक ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स रहेंगे मतलब यू कैन सी जब उसका फ्रूट आएगा तो यू कैन सी उसमें बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट है जैसे कि पपाया है वाटरमेलन है ऑर्किड्स है यू कैन सी द डिफरेंस इन इट राइट सो ये क्या था अपना पिस्टल के बारे में कि पिस्टल इज डिटू थ्री पार्स स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी राइट हम मेगा स्पोरेन्शिया के बारे में पढ़ेंगे लेकिन उसके पहले हम पिस्टल के टाइप्स देख लेते हैं राइट right, सुसी so पिस्टिल जो है वो दो पार्ट में टाइप में डिवाइडेड है किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा कि एक ओवरी में सॉरी एक फ्लारिंग प्लांट में एक पिस्टिल प्रेजेंट है या एक से ज्यादा राइट right? अगर सिंगल पिस्टिल अगर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे मोनो यू कैन सी ये एक ये थालेमस में सिर्फ एक ही पिस्टिल प्रेजेंट है तो वैसे को हम क्या बोलेंगे मोनोकारपेलरी उसका दूसरा नाम कार्पल भी है ना मोनो मतलब सिंगल इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे मोनोकारपलरी अगर एक ही फ्लावर में थैलेबस पे अगर बहुत सारे अगर पिस्टिल अगर प्रेजेंट है मतलब एक से ज़्यादा अगर पिस्टिल प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी फाइन लेकिन मल्टी कार्पेलरी में भी दो टाइप होते हैं या तो ये सारे पिस्टिल क्या रहेंगे फ्यूज्ड राइट right? अगर फ्यूज है डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे सिनकार्पल जैसे कि ये वाले डायग्राम में देखो ये यहाँ के जितने भी पिस्टल्स हैं सारे के सारे कैसे फ्यूज है हम उसे हम क्या बोलेंगे सिन वही अगर ये वाला जो डायग, डायग्राम है उसमें यू कैन सी एक कार्पल जो है सारे के सारे कैसे फ्री है और तुम उसे आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हो राइट right? तो वैसे कार्पल को हम क्या बोलेंगे अपो क्या बोलेंगे अपो कार्पिस तो पिस्टल दो टाइप के हैं या तो सिंगली प्रेजेंट रहेगा या फिर एक से ज्यादा रहेगा सिंगली होगा तो मोनोकार्पेलरी एक से ज्यादा होगा तो मल्टी और वो भी दो टाइप के है फ्यूज होगा तो सिंह कार्पिस और फ्री होगा तो अपो द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ़ मेगा स्पोरेंजिया और ओव्यूल ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि इसी के अंदर क्या बनने वाला है फीमेल गैमेटोफाइट फाइन लेकिन फीमेल गेमेटोफाइट कैसे बनाता है उसके पहले हमें उसका स्ट्रक्चर तो पढ़ना पड़ेगा राइट तो लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ ओविय ओव्यूल दिखता कैसा है होता कैसा है राइट right? और ओवियल का दूसरा नाम क्या है मेगा स्पोरोपोरेंजियम क्या है मेगा स्पोरेंजियम Fine. अभी देखो ये जो है ये main diagram है तुम्हारा ओव्यूल का Let us, लेकिन उसके पहले हम ये वाला डायग्राम देखेंगे राइट right? सीन so, ये जो है ये क्या है ओवरी का वॉल फाइन ये क्या है ओवरी का वॉल ये जो लाइट ग्रीन कलर का जो दिख रहा है दैट इज नथिंग बट वॉट लॉक्यूल जैसे मैंने तुम्हें पता कि ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी है जिससे हम क्या बोलते हैं लॉक्यूल लॉक्यूल से क्या अटैच रहेगा प्लासेंटा सो यू कैन सी ये वाला जो है ये क्या है प्लासेंटा ये पूरा पूरा क्या है प्लासेंटा प्लासेंटा से हमने क्या देखा कि ओव्यूल राइज होंगे क्या राइज होने वाले हैं ओव्यूल तो यू कैन सी कि ये छोटा सा जो पार्ट है ये ब्राउन कलर का or, ओव्यूल, राइट लेकिन ये ओव्यूल को भी प्लासेंटा से अटैच होना होना पड़ेगा राइट सो so ओव्यूल प्लासेंटा से कैसे अटैच होगा थ्रू अ स्मॉल स्टॉक ये जो लंबी सी डंडी जैसी जो दिख रही है उसे हम क्या बोलेंगे फिनिकुलस क्या बनेंगे फिनिकुलस या फिर हम उसे क्या बोलते हैं फनिकल राइट सो तो कम टू तो दिस डायग्राम नाउ सो so, सी ये पूरा का पूरा ये क्या है ओव्यूल है क्या है ये ओव्यूल है और ओव्यूल जब ये प्लासेंटा से अटैच होगा राइट सपोज कि यहाँ पे प्लासेंटा है जब ये प्लासेंटा से अटैच होगा तो इट विल अटैच थ्रू अ स्टॉक नोन एज वॉट फनीकल किससे अटैच होगा फनीकल से लेकिन ये ओव्यूल जो है फनिकल से भी एक पार्ट से अटैच रहेगा जिसे हम क्या बोलते हैं हाइलम मतलब ये जो ओव्यूल और फनिकल के बीच में जो जंक्शन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं हाइलम सो दिस इज नथिंग बट वॉट ये क्या है हाइलम है जो फनिकल और ओव्यूल को क्या कर रहा है अटैच करवा रहा है फाइन तो समझ में आया ओव्यूल जो है वो किससे अटैच रहेगा प्लासेंटा से लेकिन प्लासेंटा से अटैच होने के लिए उसको किसके थ्रू अटैच करना पड़ेगा फनिकल के थ्रू और फनिकल और ओव्यूल के बीच में जंक्शन कौन बना है हाइलम कौन बना है हाइलम और इतना याद रखना कि फनिकल में जाइलम एंड फ्लोएम होता है इसलिए वो क्या प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट क्या प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट फाइन अब देखो ये ओव्यूल जो है उसके दो प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं इंटेग्यूमेंट क्या बोलेंगे इंटेग्यूमेंट अभी बाहर का जो लेयर होगा उसे हम क्या बोलेंगे आउटर इंटेग्यूमेंट और अंदर का जो होगा उसे क्या बोलेंगे इनर वैसे ये आउटर और ये क्या है इनर ये अराइज कहाँ से होता है फ्रॉम दिस पॉइंट ये ये जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं चलाजल पो, पोल या फिर चलाजल रीजन या फिर चला, आ, आ, चलाजल एंड राइट क्या बोलेंगे चलाजल पोल चलाजल रीजन या फिर क्या बोलेंगे चलाजल एंड तो यही पार्ट से ये क्या इंटेग्यूमेंट्स क्या होंगे अराइज होंगे और ये इंटेग्यूमेंट क्या करने वाला है ओव्यूल को क्या करेगा प्रोटेक्ट क्या करने वाला है उसे प्रोटेक्ट करेगा ये पूरे के पूरे ओव्यूल को कवर करता है लेकिन एक छोटा सा ये जो पार्ट है उसे वो क्या करता है छोड़ देता है उतने पार्ट को वो कवर करने वाला नहीं है सो यू कैन सी ये छोटा सा जो पार्ट है वो ओपन है उसको इंटमेंट ने कवर नहीं किया है तो वो जो ओपन वाला जो एंड है उसे हम क्या बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड या फिर माइक्रोपाइलर रीजन या माइक्रोपाइल पोल फाइन सो ये माइक्रोपाइलर रीजन है या माइक्रोपोल है उसका मेन काम क्या होता है कि जब ये पोलन ट्यूब आता है तो ये माइक्रोपाइल रीजन से ही एंटर होगा एंड फिर वो जो एम्ब्रियो सेक के अंदर जो एग होता है उससे क्या करेगा फ्यूज होगा राइट अभी देखो ये जो इंटेगमेंट जो है इसने क्या किया है इट हैव सराउंडेड अ मास ऑफ सेल जिसे क्या बोलते हैं न्यूसिलस तो यहाँ पे ना बहुत सारे मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं न्यूसिलस और मास ऑफ सेल्स जो है किससे बने पेरेंट से किससे बने हैं पेरेंट कैमेटो सेल से और न्यूसेल्स के अंदर बहुत सारा फूड मटेरियल प्रेजेंट है इसलिए हम बोलते हैं इट इज़ अ फूड रिजर्व जो वो भी क्या करेगा नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और न्यूसेल्स के अंदर ही क्या बनने वाला है एम्ब्रियोसेक या फिर हम क्या बोल सकते हैं फीमेल गेमेटोफाइट तो ये जो है दिस इज़ नथिंग बट वॉट एम्ब्रियोसेक या फिर हम क्या बोलेंगे उसे फीमेल गेमेटो राइट right? लेकिन ये न्यूसिलस के अंदर ये एम्ब्रियो सैक बनेगा कहाँ से तो इट विल बी फॉर्म फ्रॉम वेयर फ्रॉम अ मेगा स्पोर्ट किधर से बनने वाला है फ्रॉम द मेगा स्पोर्ट सो लेट अस सी हाउ द मेगा स्पोर इज बीइंग फॉर्म राइट एंड इतना याद रखना कि एन ओव्यूल जनरली हैज सिंगल एम्ब्रियो सैक विच इज़ फॉर्म फ्रॉम अ मेगा स्पोर मतलब हर एक ओव्यूल में सिर्फ एक एम्प्रिय सैक होता है वो भी किस किस किधर से बनेगा फ्रॉम दी मेगा स्पोर से सो लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर एंड जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर का उसे हम क्या बोलेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या बोलेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस सो सी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल दी इज नोन एज वॉन स्पोरो हमें यह देखना पड़ेगा ये मेगा स्पोर मदर सेल बना कहा से राइट सो लुक एट टू लुक एट दिस डाग्राम सो सी ये सपोज की ये न्यूसिलस है जो कौन से साइड का है माइक्रोपाइलर एंड के साइड का कौन से साइड का माइक्रोपाइलर एंड के साइड का ये न्यूसिलिस

बोलेंगे अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल जो बना है उसको ओव्यूल कैसे पहचानेगा तो ये जो एमएमसी जो है उसका सेल ना बहुत बड़ा होता है लुकेट इंटू दिस डायग्राम कि ये एक सिंगल एट दिस डायग्राम ये एक सिंगल सेल है न्यूसेलिस का जो सबसे बड़ा है जो माइक्रोपाइलर एंड के साइड पे है बड़ा सा सेल है जिसका साइटोप्लाज्म भी बहुत ज़्यादा डेंस है और उसका न्यूक्लियस भी कैसा है प्रोमिनियन कैसा है प्रोमिनेंट राइट सो एक डिस्टिंग हो जाता है अपने आप वो सेल ओविल को पता चल जाता है कि यही क्या है मेगास्पोर मदर सेल जैसे ही ओवियल को पता चलेगा कि ये मेगास्पोर मदर सेल है फाइन तो इट विल अंडर गो मियोटिक डिविजन अभी इतना याद रखना कि ये मेगा मदर सेल जो है बट ऑबियस कैसा रहेगा डिप्लॉइड कैसा रहेगा डिप्लॉइड तो जब वो मियोटिक डिविजन में जाएगा तो वो क्या करेगा इट इज गोइंग टू फॉर्म वॉट फोर मेगास्पोर्स कितने स्पोर्स बनाएगा फोर so वो फर्स्ट मियोटिक डिविजन करेगा तो कितने सेल बनाएगा दो राइट यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो ये एक और ये दो, दो मेगा स्पोर बनाए तो यहाँ पे भी यू कैन सी ये एक और ये एक तो दो सेल मेगा फर्स्ट म्योटिक डिवीजन से दो सेल बनने की वजह से हम उसे क्या बोलेंगे मेगा स्पोर डायड क्या बोलेंगे मेगा स्पोर डायड एंड जब वो सेकेंड म्योटिक डिवीजन करेगा तो कितने बनाएगा फोर एप्लॉयड मेगा स्पोर बनाएगा राइट यू कैन सी इन दिस डायग्राम वन टू थ्री एंड फोर राइट right, तो कितने बने चार इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे मेगा स्पोर टेट्राइड यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो वन टू थ्री एंड फोर कितने बने लीनियर टेट्राड ऑफ वॉर मेगा स्पोर्ट्स फाइन और सारे के सारे कैसे रहेंगे हेप्लोइन लेकिन एंथर में कैसे हर एक मेल uh, uh, मेल माइक्रोस्पोर्स जो बने थे जो माइक्रोस्पोर हर एक माइक्रोस्पोर्स के पास एबिलिटी थी कि वो पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाए लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे क्या होगा ये चार एप्लॉयड मेगा स्पोर में से कोई भी एक फंक्शनल रहेगा कोई भी एक क्या रहेगा फंक्शनल एंड बाकी के जो तीन है वो क्या हो जाएंगे डी वही के वही वो लोग क्या हो जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे मतलब कि उनका डी हो जाएगा और एक ही सेल कोई भी चार में से एक सेल जो है क्या रहेगा फंक्शनल राइट right? मोस्टली जो चलाजल साइड पे जो ग्रो हो रहा है मतलब आगे के साइड का जो सेल होता है वो क्या बन जाता है फंक्शनल फाइन और यही फंक्शनल सेल से क्या बनने वाला है एम्ब्रियोसेक और यू कैन इट एज वॉर फीमेल गेमेटोफाइट क्या बनेगा एम्ब्रियो सेक या फिर क्या बोलेंगे फीमेल गेमेटोफाइट अभी तक एम्ब्रियो फीमेल गेमेटोफाइट बना नहीं है अभी तक क्या बना है हेप्लॉयड मेगा स्पोर वो भी कौन सा फंक्शनल वाला और बाकी जो तीन बने थे वो क्या हो गए डी और ये जो मेथड है एम्ब्रियो सेक बनने का एक सिंगल मेगा स्पोर से उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट गॉट इट गोड राइट सो ये था अपना मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में फाइन इन नेक्स्ट वीडियो विल सी कैसे ये एम्ब्रिय क्या फीमेल कैमेटोफाइट बनता है मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उनका फॉर्मेशन कैसा होता है बट दैट विल सी इन नेक्स्ट वीडियो सो ये वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा वी स्टडीड अबाउट ऑफ पिस्टल उसमें हमने तीन पार्ट्स देखे स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी फिर हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं मेगा स्पोरजियम एंड नेक्स्ट हमने क्या देखा कैसे मेगा स्पोर बना जिसे हम क्या बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस चार मेगा स्पोर में से एक फंक्शनल रहेगा बाकी के तीन क्या हो जाएंगे डी एंड जो एक फंक्शनल है उसी से क्या बनने वाला है फीमेल गैमेटोफाइट, सो दैट विल सीन अ नेक्स्ट वीडियो टिल दैट थैंक यू